हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है टेक लेकर संतोष सामे चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे जब नए यूट्यूबर चैनल बनाते हैं तो उनके एक ही परेशानी होती है, सब्सक्राइबर एंड व्यू की। वो बहुत सारी वीडियो डाल लेते हैं मगर उनके में कोई सब्सक्राइब जल्दी नहीं आता, व्यू बहुत कम आते हैं। कोई कोई कहता है कि इनका तुक्के से लग के वो हो जाता है, मगर कोई कोई उसमें से 90% ऐसे ही रहते हैं कि उनके में कोई चैनल पे व्यू या कुछ भी नहीं आ पाता, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ता, वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाकी लोग का कहीं तुक्के से लग गया तो ट्रेंडिंग में चढ़ जाती है और इन सब पर अब बाकी लोगों को नहीं चढ़ पाता। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि अपने चैनल पर कैसे करें, तो उन्हें एक ही रास्ता दिखता है कि अपने चैनल पर ऐड लगा के हम अपने व्यू और सब्सक्राइबर ला सकते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि अपने मोबाइल से सब्सक्राइबर कैंपेन पेज को कैसे ओपन करें। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में बनेगी, मैं अगले पार्ट में आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा, इस पार्ट में आपको मैं कैंपेन पेज ओपन करना सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। और अभी तक एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, इस पर सर्च कर लीजिए गूगल एड्स, सबसे ऊपर जाइए, सबसे ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे करना है। दोस्तों, ये गूगल एड्स का पेज है, ये थोड़ा स्लो चलता है, चाहे नेट आपका तेज हो या स्लो, इस पर ये पेज स्लो ही वर्किंग करता है। जब आपका कुछ इस तरह पेज आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको लॉगिन करना है यहाँ पे अपने किसी ईमेल आईडी से। दोस्तों, मेरे ऑलरेडी लॉगिन हो गई, अब आपको यहाँ पे तीन स्टेप दिखेंगे। आप पीसी से कर रहे हैं तो आपको आसानी से एक्सपर्ट मोड मिल जाएगा, मगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम बीच वाले पे करके नेक्स्ट कर देंगे। जो जो मैं भी लिखूँगा वो भी आपको टाइप करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दीजिए, मैसेज डाल दिया, वेबसाइट डालनी है, कुछ भी डाल सकते हैं, आप जिस वेबसाइट का नाम जानते हैं वो डाल सकते हैं। अब मेरा भी कॉपी करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खाली ये ओपन खोलना है, बस यही हुए हैं। यहाँ पे भी नेक्स्ट के दे दीजिए, इसके बाद इसे भी नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट करते ही जाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। फिर से नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक प्लान सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है, आपको कुछ कटेगा नहीं, बैलेंस वैलेंस इस बात की कोई चिंता मत कीजिए। और आपकी अभी आपको कोई डेस्कटॉप मोड चालू नहीं करना है, अभी आपको नॉर्मली सब पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। आप यहाँ पे इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, पेटीएम वॉलेट, कुछ भी। मैं पेटीएम वॉलेट करूँगा, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, मैं 500 डाल लेता हूँ। और चिंता मत करना दोस्तों, आपका 1 रुपये भी नहीं कटेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसको सबमिट कर देना है और घर नेम कोई भी नाम डाल दीजिए जैसा। यहाँ पे आपको भी थोड़ा फिल करना पड़ेगा, कुछ भी कर दीजिए। हो गया,
कुछ देर वेट करते हैं, यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों स्पेस पे आ चुके हैं। अब समझो आपका 70% काम हो चुका है। अब आपको सीधा एक्सप्लोरेशन योर कैंपेन पे कर देना है। अब यहाँ पे आ जाने का आपको अब आप अपना डेस्क रुको दोस्तों, अभी मैं अभी इसकी फोन ना कर दीजिए, अभी मत कीजिए, थोड़ा हम आगे करेंगे। इस पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पेंडिंग दिखा रहा होगा। अब इसे हम डेस्कटॉप मोड पे खोलते हैं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने कहा था इसमें दो पार्ट लगाऊंगा। अगले पार्ट में मैं आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा कि ऐड कैसे लगाएं। अब यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको ऊपर ही दिख जाएगा। स्विच टू एक्सपेक्ट मोड पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कैंपेन फेज खुल चुका है, हमारा काम हो गया है। और खुद देर इंतजार करना है, जो भी हमने कैंपेन बनाया उसे डिलीट कर देना है, और आपको एक नया कैंपेन अपने जिस तरह से आप ऐड लगाना चाहते हैं उस तरह से कैंपेन बना लेना है। देख सकते हैं इस कैंपेन को हम डिलीट करते हैं। इसे पॉज कर दिया, इसे आप एडिट करके रिमूव कर सकते हैं। मैं रिमूव अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में कर दूँगा, मैं अभी इसे पॉज ही कर दे रहा हूँ। पॉज करने के बाद सीधा ओवरव्यू पे जाइए। और यहाँ से आप न्यू कैंपेन करके अपना नया कैंपेन बना सकते हो, आपको पूरा पीसी का जैसे मोड दिख जाएगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं चाहिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, बस एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, बस फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ सेकंड पार्ट की ओर।